जिम पर आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिम के बारे में? बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई दूंगा सत्या जी को, इनके सब पूरे टीम को, प्रमोद जी को और इनके पूरे परिवार को। चूँकि फिटनेस आज के दौर में बहुत ज़रूरी है और हर इंसान को फिटनेस में बहुत बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इंसान बहुत सारे तो प्रमोट करें कि भाई लोग यहाँ पे आकर के वो ट्रेनिंग में और तैयार हो। सर फिटनेस की बात करें तो आपके फिटनेस का क्या राज है? आप भी काफ़ी फिट रहते हैं, क्या कुछ करते हैं फिटनेस के लिए आप? देखिए भाई, हम लोग के ज़माने में, वो ज़माने जब हम इंडस्ट्री में आए थे 92 में, खुदा गवाह पहली फिल्म थी, उसके बाद सर फोर, उस ज़माने में इतना जिम का फैशन नहीं था। लेकिन अब जो है युद्ध का जो दौर चल रहा है उसमें जिम बहुत ज़रूरी है। हमारे फिटनेस का राज ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ मॉर्निंग में, और हम लोगों के जो मज़हब में नमाज वो पढ़ता हूँ, उसके बाद योगा करता हूँ और अपने टेरिस में जितना पसीना बहाना होता बहा लेता हूँ। तो हम लोग देसी नुस्खे जो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान को अपने आप को फिट रखना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। अरे सर, आपसे सवाल ये है कि आजकल की जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहते हैं, हर तरह की चीज़ों में बिजी रहते हैं, लेकिन फिटनेस पर उतना ध्यान नहीं देते, तो खास करके युवाओं के लिए एक आपके जो मैसेज? नहीं, युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने आप को मजबूत रखें किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि सिर्फ नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, आप जिस पेशन में उसके लिए ये मोबाइल वगैरह तो पार्ट टाइम है, उसमें टाइम पास करते हैं लोग, लेकिन मॉर्निंग या इवनिंग दो टाइम चूज करें, और उस मामले में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप वक्त से पहले थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो आज हम लोग माशाल्लाह इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं और देखिए आएगी। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इन्हें तीनों मेरे सुपरस्टारों को बहुत बधाइयाँ दूंगा और ख़ास करके ये सारे चैनल को दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने किसी फिटनेस यानी ये हेल्थ जिम के लिए इतने सारे प्रेस वाले आए हैं, मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी प्यार है फिटनेस से। और जैसे अभी आपने युवाओं की बात कही तो मैं इन लोगों से तीनों से एक ही बात कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के गिफ्ट अगर ये फिटनेस के साथ में अपनी ट्रेनिंग के साथ कुछ ऐसा रखें कि भाई एक के साथ जैसे कपड़ों की दुकानों में नहीं होता एक के साथ एक भी, वैसे कुछ आप फिटनेस के साथ ये रखें कि भाई ये फिटनेस के लिए अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे। जैसे कि खास करके जो ट्यूटर होता है, मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ, कोई आप लोगों को बताएगा नहीं, अली भाई आप भी गौर कीजिएगा इस बात पर, और ख़ास करके आप लोग जो खोल रहे हैं ये ट्यूटर का अलग से पैसा लेते हैं, तो जो सीखने वाला है बोलता है हम यहाँ अलग से पैसा देते हैं और जो ट्यूटर है उसका अलग से पैसा देते हैं, तो उनको डबल मार हो जाती है। तो एक तो वो चीज़ आपके यहाँ में होनी चाहिए कि जो आप पैसा लेते हो उसी एक ही पैसे से उनको प्रॉपर सिखाइए, और आपका जो ट्यूटर है उसको भी बोलिए कि भाई स्पेशल कुछ नहीं, स्पेशल हमारे यहाँ जो सीखेगा वही है। और दूसरा मैं एक बात बता दूँ, जैसे मैं 26 साल का हूँ, तो अब आप पूछेंगे 26 साल है क्या मतलब, अब उसमें यह है कि 26 में मेरे दो अगर अच्छा लगता हो तो इधर लगा दीजिए, आपको पसंद नहीं है तो पीछे लगा दीजिए 6 के, वो उस हिसाब से मैं तो 62 का हूँ मगर मैं लगता 26 का हूँ। उसका कारण ये है कि फिटनेस अगर ज़िंदगी में नहीं है, जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए सुबह उठते ही फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करता है, फिर खाना खाता है, फिर दोपहर के बाद शाम को जब सुबह को भूख लगे फिर कुछ खाता है, फिर रात को खाता है। और जैसे हमारे राजस्थान में तो क्या होता था कि जैसे हम लोग कलेवा बोलते हैं, यहाँ ब्रेकफास्ट बोलते हैं हम लोग कलेवा, मतलब राजस्थान में भी 4 टाइम खाना होता था लोगों, चाहे गरीबी में हो या कैसे भी, तो ये मतलब एक सिद्धांत जो हो तो उसी हिसाब से फिटनेस भी बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, संगीतकार से पहले मैं डांस मास्टर था, तो डांस मास्टर में इतना डांस करता था कि दिन भर में पसीना काफ़ी मिलता था। और आज ये जो तीनों ये सुपरस्टारों ने ये काम किया है, खास करके ये गोरेगांव एरिया हुआ ना, और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी टीम तो यहाँ कहीं नहीं होगी, क्योंकि ये उन्होंने बहुत इंस्ट्रूमेंट काफ़ी महंगे महंगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इधर हम लोग तो आएंगे आएंगे, फिल्म वाले भी आएंगे, हम पब्लिक को भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी लाइन में आना है तो अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। अगर शाहरुख सलमान बनना है, कैटरीना कैफ बनना है या पादुकोण बनना है तो भी आपको फिटनेस ज़रूरी है। और बस यही मैं कहूँगा आप लोगों को कि बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, और चैनल वालों से ये कहूँगा कि बड़े प्यार से हम लोगों को दिखाना भाई, ऐसा हमारा भी चेहरा चमकता नजर आना चाहिए कि लोगों को कि आप फिटनेस में आकर सोना चाहिए। शुक्रिया, खास करके सलीम साहब के लिए कहूँगा, मैं इनके लिए बोलना चाहूँगा कि आया हूँ मैं फिटनेस के लिए, ये इतना भाई देख कैसा सक्सेस कि सर हम कलाकार जितने भी हैं फिल्म लाइन के, चाहे वो शाहरुख सलमान अमीर खान जो भी हो,
पुरुष डायरेक्टर कोई भी हो, सिंगर जाए, कितने भी हो, यहाँ मलिक साहब का नाम आता है सब हम खड़े हो जाते हैं। आज भी जो हम यहाँ हैं बिकॉज ऑफ मलिक साहब की वजह से, और अभी इनका भी एक बहुत बड़ा शो होने वाला है, मैं सारे चैनल को कहूँगा कि इनकी शो जरूर आइए, और बाकी बातें तो चैनल में बताऊँगा। जी हाँ, बहुत बहुत थैंक यू, आप उधर करो, मैं इधर समीर जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी गुरु, प्रमोद जी हमारे जो इसके मेन पार्टनर हैं, और सुनील जी इसके पार्टनर ऑनर हैं। किशोर भाई आप किसको खिलाए? हम हैं ना सर, अली भाई, अली भाई को आप खिलाइए। हाँ वेरी गुड सर, सुबह ज़्यादा हुई नहीं ना, नहीं हमको खाली टिशू पेपर दे, टिशू भी दे रहे। हाँ ले लो, 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 आगे 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 आगे। अरे पूरा हो, हम अपने अपने हिसाब से खा ले, चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी का जो यंगस्टर्स है वो एडिक्ट हो रहे हैं, तो वो एडिक्शन से दूर रहने के लिए फिटनेस की तरफ कॉन्शियस होना चाहिए। उनका जो ये जिम का ओपनिंग है, मैं मेरे पूरे राष्ट्रवादी परिवार की तरफ से खुश हो जाता है। इस जिम में आपको क्या खास लगा? अभी तो आया हूँ इतने दिन। आप अपने किस प्रकार से फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को कैसे फिट रहने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखो फिटनेस के लिए जिम जितनी आवश्यकता है उतनी योगा है, मॉर्निंग वॉक है, उसका डाइट भी रखना जरूरी है। नहीं तो जंक फूड खाते रहेंगे और वर्कआउट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जीतने वाले में? फिटनेस जी और टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस मौके पर। फिटनेस आज की तारीख में आप सबको पता है कि बहुत जरूरी है किसी के लिए, और मुंबई में जिस तरह से डे टू डे लाइफ सबका है उस तरह से फिटनेस के लिए टाइम निकालना किसी के लिए जरूरी है। और जैसे एक फिटनेस स्टूडियो बना रहे हैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। दादा जैसे कि आप फिट काफ़ी फिट भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप खुद फिट होने के क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल थोड़ा अनफिट हुआ आऊँगा यहाँ पे जिम के साथ साथ फिजिकल फिटनेस के लिए ग्राउंड जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं वो भी हम लोग करते रहते हैं पार्टी में फिटनेस में आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए फिटनेस के लिए जिम की जरूरी है, उसके स्पोर्ट्स में जरूरी है। हर चीज़ जैसे स्पोर्ट्स में जिम के जो भी ऑपरेशन जो है कराते रहते हैं फिटनेस के। न्यूज़ के जरिए बताया जाता है कि इंडिया आज के दिन में स्टूडेंट लाइफ नहीं बचा रही, और आज की कई इंडिया यूथ ऐसा है जो गलत रास्ते पे जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो उनको फिटनेस की सलाह देने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि बॉडी अपनी जो है फिट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी अलग से अच्छी करनी जरूरी है। अभी बहुत सी चीज़ें गलत युवाओं गलत दिशा में जा रहे हैं, खेल के लिए हम लोग ऐसी एक्टिविटी हर जगह पे ले सकते हैं, फिटनेस के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं, हर जगह नुक्कड़ के नाटक लेके या जो भी करके उसको बता सकते हैं। आप फिटनेस जरूरी है, गलत चीज़ों से दूर रहिए, फिटनेस का ध्यान बढ़ाइए, इससे हम कार्यक्रम करा सकते हैं। सप्रीत भाई ने यहाँ से पूरे गाँव में इतना बड़ा जिम चालू किया, उसके लिए आप क्या उनको मैंने बधाई दे, तो एक किसी मोरेगांव में नहीं तो पूरे मुंबई में आगे चल के किसी के साथ वो एक रोल यहाँ पे जैसा मोरेगांव में आज उनका स्टूडियो ओपन है, उसी तरह सारे मुंबई में उनका हर जगह पे लोकेशन मेरे को देखने मिले, ऐसी उनको एक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। मैं चेतन पांडे में सेटलमेंट करता हूँ, ठीक है, तो मैं मुंबई से हो चुका हूँ 65 kg में, प्रूफ इन महाराष्ट्र में ब्रॉन्ज मेडल हुआ, ठीक है। मैं सबको ये चाहता हूँ कि आप फिटनेस में आ जाए, आप अपने बच्चों लोग को फिटनेस में भेजें, क्योंकि खुद का पान तंबाकू सिगरेट से जाने से अच्छा है फिटनेस में आए, प्रोटीन खाएं, वो ज़्यादा बेटर है, यही मैं चाहता हूँ। और संबित भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं भी अपना प्रोटीन शॉप खोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी आप आए, थैंक यू। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.
Thank you.